किसी के पास सोना चांदी रुपया पैसा तीनों मिलाकर 85 ग्राम गोल्ड हो जाए तो याद रखिए उसमें से आपको 2.5 परसेंट अदा करना है यह है उसका हिसाब ऐसा नहीं कुछ समझते हैं 85 ग्राम तक माफ ये स्लाब सिर्फ गवर्नमेंट में चलता टैक्स में चलता यहां ऐसा स्लाब्स नहीं है यानी 85 ग्राम गोल्ड किसी के पास 100 ग्राम है तो 85 ग्राम निकाल के सिर्फ पंद्रह ग्राम का देना नहीं जब 100 ग्राम 85 ग्राम से हो गया तो पूरे एक ग्राम से सबका देना है ये लोग सवाल करते हैं ये आते हैं इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं इन अलहमद लिल्लाह نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ميهدیه الله فلا مضللا ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في سورة البينة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث वह इताज ज़क़ा हजर निगरानी ख़ुतिन मिलत खुदबा मसूना के बाद मैंने आपके सामने आखिरी पारे का एक मशहूर मशहूरमाूफ़ शोरा शोरा अल्बना की एक आयत पढ़ी है अल्लाह ताला ने इस आयत में इरशाद फरमाया, लहुद्दीन फरमायाबूल लोगों को किसी बात का ही हुक्म दिया गया है कि वो अल्लाह की इबादत इखलास के साथ करें इखलास नीयत के साथ अल्लाह की इबादत तो बंदगी करें और नमाज क़ायम करें जक़ात अदा करें और यही मजबूत तरीका है मजबूत दीन है प्यारे नबी वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया इस्लाम की बुनियाद पांच चीजों पर रखी गई है उनमें से एक अहम पिलर अहम रुकन जक़ात अदा करना है हजरीन चूंकि आम तौर से मुसलमान मुबारक में माल की ज़क़ात निकालते हैं तो ज़क़ात के अहकाम और मसाइल उसकी अहमियत और अदा करने के फवाद अदा ना करने के नुकसान और चंद अहकाम आपके गोश गुजार करना अज़द ज़रूरी समझता हूँ ये अच्छी बात है कि रमज़ान से रमज़ान तक हिसाब रखा जाए क्योंकि इस्लामी शरीयत, इस्लामी अहकाम का ताल्लुक हमारी कैलेंडर से हैं हमारी डेट से हैं हिजरी कैलेंडर से हैं ना कि अंग्रेजी ग्रेगोरियन कैलेंडर से हैं उसके हिसाब से देखेंगे तो हर साल दस दिन तखिर हो जाए इसलिए रमज़ान से रमज़ान हिसाब रखना अच्छी बात है हजरीन जक़ात की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह तबरक ताला ने कुरान मजीद में नमाज के बाद जक़ात का तस्करा किया है बास जगह पर आपको रोजे का तस्करा नहीं मिलेगा हज का जिक्र नहीं मिलेगा ये सारे चंद अम बाद इसके फर्जियत का हुक्म हुआ है बाज लिखते हैं कि जकवात के, के ताल्लुक से मक्के में ही उसका कॉन्सेप्ट दे दिया गया था और जबकि बकिया जो इस्लाम के अरकान में से बकिया जो तीन हैं उसके बारे में मदीने में आने के बाद उसका हुक्म हुआ है यहाँ तक कि यह जक़ात अल्लाह ताला ने अगली उम्मतों में भी रखा है बनी इसराइल के ताल्लुक से भी ही कहा कि उन्हें यह हुक्म दिया गया था कि वो जक़ात अदा करें जक़ात अदा करो अकीम सलाक़ाक बनी इसराइल को खिताब करके अल्लाह ने यह भी फरमाया कि सलात के साथ साथ जक़त अदा किया करो जिस तरह से इसका हुक्म था सलाद का का कभी अल्लाह ताला ने पहले से ही हुक्म दिया है जकत के माने क्या है Zakat के माने दो है एक माने पाक साफ करना Zakat के माने हैं पाक साफ करना और दूसरा माना है इजाफा करना बढ़ोतरी करना बढ़ा के देना Zakat के अंदर दोनों माने पाए जाते हैं दोनों माने पाए जाते हैं जकवात के अंदर पाक साफ करने का माना भी है जक़ात इंसान को बख़ीली से उसके दिल को बखीली से पाक करती है उसके माल को से पाक साफ करती है जकवात में इजाफा के बायस भी है जकवात जक़ात के जरिए से माल में इजाफा होता है अल्लाह तबर तला ने कुरान में फरमाया महकल्ला तला को मिटाता है खत्म करता है और सदका तो खैरात और जकवात को बढ़ाता है जहरी तौर पर हमें लगता है कि माल में से जक़ात देने से कुछ कम हो गया लेकिन हकीकी माने में देखेंगे अल्लाह ऐसी बरकत देता है कि बरकतों की वजह से दुनिया में और आखिरत में हमें बहुत ज्यादा इसका फायदा और इसकी इजाफी चीजें हमें मिलती रहती है अल्लाह के रास्ते में कोई चीज हम खर्चा करते हैं अल्लाह उसका बदला दस गुना तो देता ही देता है और उससे बढ़ के अल्लाह तबरक सात सौ गुना और उससे भी ज्यादा देता है अल्लाह ताला ने उसकी मिसाल देते हुए कुरान में फरमाया कि जैसे एक दाना है एक दाने में कितने उसके कॉम्पल निकलते हैं और ये होते होते सौ के बराबर और सात सौ गुना अल्लाह कर देता है और फिर आगे फरमाया अल्लाह ताला इजाफा करता है जितना चाहता है जितना चाहता है अल्लाह बढ़ा के देता है तो जकवात में बढ़ोतरी भी है और माल की पाकी सफाई भी है। हज़रीन जकवात इस्लाम की बुनियादों में से एक अहम बुनियाद भी है जक़ात की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं और जकवात के फवायद के बारे में भी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम अल्लाह तला की रहमत के मुस्तक हो जाएंगे जकवात अदा करने से अल्लाह की रहमत में हम शामिल हो जाएंगे और अल्लाह की रहमत हासिल करना बहुत बड़ी बात है मैंने जितने आसानी से कह दिया आपने जितने आसानी से सुन लिया अल्लाह की रहमत हासिल करना उतने मामूली बात नहीं है प्यार की के हदीस सुन ले नबी ने फरमाया किसी को उसका अमल जन्नत में लेके नहीं जा सकता साहबा ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल वाला आपको भी ताकि कि हाँ मुझे भी मुझे भी अपने आमाल जन्नत में लेकर नहीं जा सकते हैं इल्ला तगमदनी रहमत इल्ला के अल्लाह की रहमत जब तक शामिल हाल ना हो अल्लाह की रहमत के बगैर हम एक कदम ना दुनिया और आखरत में कामयाब हो सकते हैं अल्लाह के इतने एहसानात हैं सारी जिंदगी इबादत करें सदका तो खैरात करें जिक्र कर दें अल्लाह का हक अदा हो नहीं सकता है तो रहमत देगा जन्नत देगा अपनी रहमत और फजल से इसीलिए अकीदे की किताबों में अहले इल्म लिखते हैं लिखते हैं कि निकोकारों को जन्नत में दाखिल करना यह अल्लाह का फजल है अल्लाह के फजल से होगा और गुनहगारों को जहन्नम में दाखिल करना अल्लाह का आदल है आदल है ये ये इंसाफ का तकाजा है और मैंने बारह इससे पहले बताया कैसे इंसाफ है यहाँ पर वक्त ना काफी है हजरिन अल्लाह की रहमत हमारे शामिल हाल हो जाए बहुत बड़ी बात है कामयाबी के लिए और ज़कात अदा करने से अल्लाह की रहमत हमें मिलती है अल्लाह ने सुरा आराफ की आयत नंबर 165 में फरमाया वरहमती वसीعت वरहमती वसीعت كل شيئ فاکتبوها للذین यत्क्उन व यतूना الزका मेरी रहमत हर चीज को शामिल है मेरी रहमत के बगैर कोई चीज चल नहीं सकती हरकत नहीं कर सकती है हर चीज को मेरी रहमत शामिल हाल है फसा बोहा। लेकिन याद रखिए आखरत में और खास अल्लाह की रहमत खास सा एक रहमत आम हर एक के लिए है रहमत खास उन लोगों के लिए है लधी नकून वो लोग जो मुत्तकी और परहेज़गार हैं रमजान के रोजे का मकसद भी है ला, ला तत्तक और जक़ात अदा करने वालों को अल्लाह की रहमत खास हासिल होती है वो यू तो न जक़ात इसी तरह से जक़ात ईमान की, की अलामत है जक़ात देने वाला मोमिन है और जो जिसके माल में जक़ात फर्ज है वाजिब है कमा हक्का जक़ात अदा नहीं करता है वो कमा नहीं है। वो मोमिन नहीं हो सकता है अल्लाह तला ने शुरत तोबा में मोमिन के बारे में बयान फरमायालम अमिन मोमिन मर्द औरतें वो हैं उबाद एक दूसरे के वो दोस्त होते हैं मोमिन मोमिन के दोस्त हैं ये अमरुना बिल मारो भलाई का हुक्म देते हैं भैया अनिल मुनकर बुराइयों से रोकते हैं वो यकीमो न सला जक़ा नमाज क़ायम करते हैं जक़ात अदा करते हैं तो जक़ात अदा करने हकीकी के माने में करने वाले मोमिन है और यही लोग जन्नतुल फिरदौस के वारसिन में से हैं जक़ात अदा करने वाले जन्नतुल फिरदौस के वारसन में से हैं

मुझे ऐसा अमल बता दीजिए सही बुखारी और मुस्लिम की है मुझे ऐसा अमल बता दीजिए जिस पर अमल करके मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। अलैहि तो प्यार ने फरमाया तुशरिक वाला तुश्रिक अल्लाह की इबादत करना और अल्लाह की इबादत में जरा बराबर किसी को शरीक ना ठहराना यही असल है इबादत शिर्क से बच के करना है शिरक के साथ इबादत अल्लाह के पास काबिल नहीं है ये बुनियाद है ये अकीदा है ये मनहज है राहम और फ़र्ज़ नमाज़ सिला किया करो जक़ात के बाद रहमी का तस्करा किया ये पैगाम है कि आपकी जकत के सबसे ज्यादा हकदार वो हैं जो आपके रिश्तेदार हैं क्योंकि आपको पता है कि आपके रिश्तेदारों में से कौन कौन ज्यादा मुस्तकिन है और बाज खानदानों में मैंने देखा बहुत अच्छा तरीका है खानदान के 20-25 अफ़राद हैं अब इस बेंगलोर में समझ लीजिए 20-25-30 घर आना है उनमें से पांच लोग जक़ात देने के काबिल हैं तो क्या करते वो पांच लोग पांच अफराद जक़ात अपने खानदान के जक़ात एक जगह जमा करते हैं जमा करने के बाद जमा करने के बाद क्या करते हैं अब ये पच्चीस में से पांच जकत देने वाले हैं और दस समझ लीजिए कि वो मिडिल क्लास के जक़ात देने वाले भी नहीं लेने वाले भी नहीं है और बाकी ऐसे हैं दस बारह ऐसे हो या पांच आठ ऐसे हो जो मुस्तक है जक़ात के ये जो माल है उनको देते हैं उनकी इज्जत की इज्जत की बाकी रह गई वरना क्या करते हैं जक़ात देते हैं फोटो लेते हैं उसके बाद दूसरे दिन पेपरों में आता है हमने फुला को दिया है आपका सीना बड़ा चौड़ा हुआ लेकिन आप जरा सोचे उस गरीब की जगह पर अगर हम और आप होते कैसे लगता है जक़ात आपको देना है उस आदमी को याद करो अल्लाह के वास्ते रात के वक्त में निकल गया है जक़ात देने के लिए ताकि क्या हो वो किसी को पता ना चले किसी को वो मालूम ना हो कि मैंने जक़ात दिया है वो रात में निकल गया गर्चे दिया रात के अंधेरे में किसी के हाथ ने थमा दिया वो चोर निकला दूसरे दिन एक औरत के हाथ ने थमाया वो जानिया निकली है लेकिन ये और बात है वो और मसला है कि वो जकत होगी या नहीं होगी जकत अदा हो जाएगी क्योंकि देने वाले ने देकर अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी देने वाले ने देकर अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी आप कान खोल के सुन ले। लेने वाले आप जिम्मेदार हो गया हैं आप हकीकी माने में सही लोगों तक जक़ात पहुंचाना है सही लोगों तक जकत पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है हमने ले लिया मांग मांग के देने वाले देकर भरी हो गए आपकी जिम्मेदारी है कि आप हकीकी माने में जो लोग मुस्तकिन है उन तक पहुंचाया करो यह नहीं है कि कोई आएगा तो हम देंगे बैंक में बैलेंस करके सेंद सेंत के रख लें और मजबूर परेशान हाल मरते रहे याद रखिए बिल्कुल बजा नहीं है अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा वरना आप मत लो और ना जिम्मेदारी मत लो अगर आप मुस्तकिन तक पहुंचना पहुंचाना चाहते हैं जाकर पहुंचा सकते हैं तो ले लो नहीं पहुंचा सकते हैं तो मत लिया करो और ना अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा और ये बात याद रखिए मुस्तकिन आ गए हैं उनकी जरूरत है आपके पास उतने हैं आप उसको दिया करो ये मत देखो कि इतने देना है इसको हाँ कल के दिन कोई आएगा नहीं आएगा उसके लिए आप जमा करके नहीं रख सकते हैं इल्ला माशाल्लाह थोड़ा बहुत और बात है लेकिन सामने आ गया उसकी सख्त जरूरत है और उसकी जरूरत है पचास साठ हजार एक लाख दो लाख आपने उसको दो चार हजार रुपये भेज दिया जबकि आपके पास मौजूद है मौजूद है वाकई में याद रखिए मेरे भाइयों इसलिए अपने हल्के में अपने सर्कल में देखा करें कौन तो जकत के ज्यादा मुस्ताहक हैं और उनमें से कुछ हैं जो मुंह मुंह मारे हैं पूछ नहीं सकते हैं मां मांग नहीं सकते हैं उनका चेहरा देखकर मालूम कर लिया करो चेहरा देखकर मालूम कर लिया करो का देखो उनके माल में जो निकोकार लोग हैं उनके माल में जकत का हिस्सा है हक है हक साइल महरूम साइल मांगने वाला महरूम कौन है जो मांग नहीं सकता मगर zakat का मुस्ताहिक है वो zakat का मुस्ताहिक है लेकिन मांग नहीं सकता है पहले अच्छा भला था अच्छा खासा था अल्लाह रहम फरमाए कभी हो जाता है मक़रुज़ हो गया तिजारत में घाटा हो गया या किसी बीमारी में परेशानी में मुब्तला हो के वो उसको जो है खलास हो गया याद रखिए ऐसे लोगों का हमें ख्याल रखना है कौन रखेगा मुझे मालूम है आपके खानदान के बारे में मालूम नहीं है आपको पता है आपके खानदान के बारे में आपके सर्कल के बारे में आपके फ्रेंड सर्कल के बारे में आपके इलाके के बारे में आपको से आप ज्यादा पता है इसीलिए नबी ने फरमाया कि देखो तो अग्निम तुरा फ्रहिम उस इलाके के मालदारों से लेकर उस इलाके के गरीब फुकारा मसाकिन पे खर्चा किया जाएगा इलाके वाले ज्यादा मुस्ताक हैं इलाके वाले ज्यादा मुस्ताक हैं पहले इनको दिया करो आपको अल्लाह ताला आपके इलाके के बारे में पूछेगा और उस पड़ोस के बारे में पूछेगा रिश्तेदार और कारीब के बारे में पूछेगा अल्लाह ताला आपको दूर दराज के बारे में नहीं पूछेगा वहां आपने दिया या नहीं दिया है लेकिन आपके अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार वर्ब वा जवार वालों के ताल्लुक से पूछेगा हाँ अगर कुर्ब जवार वाले अड़ोस पड़ोस वाले उस इलाके वाले जक़ात के मुस्तक नहीं है और जायद जक़ात है तो वहां से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है मुंतकिल ऐसा नहीं कि उस शहर की जकत सिर्फ उसी शहर में देना है दूसरी जगह मुंतकिल की जा सकती है लेकिन पहले अपने इलाके वाले को तरजीह देना है क्योंकि नबी ने फरमाया उस इलाके के गरीब मालदार से लेके उस इलाके के फुकारा को दिया जाएगा बोल शाम में मुआसमिन जबल को भेजते हुए नबी ने फरमाया और वहां देने के बाद जब बचता था तो मास बिन जबल फिर मदीना भेजा करते थे तो एक शहर से दूसरे शहर को भेजा जा सकता है कोई मसला तो नहीं है लेकिन पहले अपने इलाके के लोगों को तरजीह दिया करें हजरीन इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया जक़ात अदा करने वाले और सिला रहमी करने वाले जन्नत के हकदार है उस सहाबी से कहा कि तुम सीधे जन्नत में दाखिल हो जाओगे हजरीन जक़त के फवाद क्या हैं जकत के फवाद बहुत सारे हैं दुनियावी उखरा भी एक फवाद हैं चंद बातें मैं आपके सामने रखता हूं कि सबसे पहले ज़क़ात मालदार के लिए एक शुक्र है शुक्र है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें मालदार बनाया लिहाजा आप अपने मालदारी की शुक्रगुजारी करो आप अपने माल का शुक्र मनाया करो और शुक्र यह है अल्लाह की दी हुई नेमत को नर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करो अल्लाह ने फर्ज करार दिया है तो तुम दिया करो माल में से जकत निकाल के दिया करो ये शुक्रगुजारी है और दूसरी बात इंसान के दिल की बकीली को खत्म करने का जरिया है गरीब फुकारा मसाकिन से हमदर्दी भी होती है और कभी ऐसा होता है कि फुकारा मसाकिन और दीगर लोगों के जो एक दिल में बुक्स हसद नफरत और इसी तरह से नजरे बद वगैरह की बातें होती हैं कि वो भरते हैं उसको देखकर माल के जक़ात देने से इन बातों से भी आप महफूज हो जाते हैं और साथ ही साथ याद रखिए जक़ात अदा करने का बड़ा फायदा जो शुक्रगुजारी है शुक्रगुजारी गुजारी की वजह से अल्लाह ताला माल में इजाफा करता है हमने गुजश्ता जुमा भी सुना ल शकर तुम ला तुम वो इन कफर तुम इन शुक्रगुजारी करोगे अल्लाह नेमतों में इजाफा करेगा ना शुक्री करोगे अजाब में मुब्तला कर दिए जाओगे अब आइए किस तरह से अजाब में अल्लाह ताला दो चार करता है जक़ात अदा ना करने वालों का क्या अंजाम होता है और अल्लाह ताला कैसे अजाबात से दो चार फरमाता है जक़ात अदा ना करने वाला हमने अभी मालूम किया है मोमिन नहीं है इनकार करता है काफिर है बकर और बकर्लाह तों ने उन लोगों से जंग का ऐलान किया है जिन्होंने जकत देने से इनकार कर दिया ताकि जो नबी के जमाने में जकत अदा करते थे आज अगर एक रस्सी भी रोकेंगे मैं उनसे जंग का ऐलान करता हूं जंग काफिरों से किया जाता है यानी जकत का इनकार करने वाला काफिर है और इससे यह भी इस्तलाल है कुछ लोग तमिलनाडु और उस इलाके में पाए जाते हैं वो कहते हैं कि माल में एक बार जकत दे दिए अब उसके बाद जिंदगी भर उसमें जकत देने की जरूरत नहीं है हां कुछ लोगों के पास ये मसला है एक बार आपने जकत दे दिया है अब कभी आपको जकत देने की जरूरत नहीं है और टैक्स की तरह समझते हैं आपने माल में टैक्स दे दिया व्हाइट मनी हो गई अब उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपको उसमें से देना नहीं है ये टैक्स नहीं है ये इबादत है ये अल्लाह का हक भी है बंदों का हक भी है याद रखिए, टैक्स की तरह नहीं है ये माल की इबादत है माली इबादत भी है ये और याद रखिए इसमें हर साल देना है इस्तेदलाल कैसा है अबू बकर ने क्या फरमाया जिस माल की जक़ात नबी के जमाने में दिया करते थे अगर उसमें से एक रस्सी रोक रोक रहा है तो नबी के जमाने में तो दे चुके हैं ना फिर भी अबू बकर कह रहे हैं अगर मेरे जमाने में वो रोकेगा तो मैं उससे जंग का ऐलान करता हूं ऐसा नहीं कि एक बार जकत दे दिए तो जिंदगी में हो गया नहीं हर साल देना पड़ेगा हर साल देना पड़ेगा जो आपके सेविंग में से उसके जो शराय में बयान करूंगा और दूसरा इस्तेदलाल दूसरा इस्तेदलाल जो ग्रामेटिकल एतबार से है और ग्रामेटिकल एतबार से ये रिसर्च जो अलहमदुल्ला किया हुआ है और वो रिसर्च मैंने अपने थीसिस में ऐड किया और उसको मैंने अपने एतबार से उसको दाखिल किया है और वो है कि ग्रामेटिकल से शरीयत को कैसे समझ सकते हैं अल्लाह ने सुरा तौबा आयत नंबर 103 में फरमाया नबी से खिताब करके खुद मिन अम व तुता हिम ऐ नबी आप लोगों के माल में से जक़ात ले लो जक़ात ले लो और उसके बाद ये जकत सौदा कतता हीरोम तूता हीरो कौन है तुता हीरो पाक करेगा कौन पाक करेगा जो लोग इस्तेदलाल करते हैं नबी से अल्लाह ने कहा कि माल के जक़ात लो और आप पाक करेंगे नबी नहीं है हम जक़ात नहीं देंगे जकत से इन मानी इन्हें जकत है ना जकत का इनकार करने वालों ने इनकार किया ना कैसे इस्तेदलाल किया कहा कि अल्लाह ने नबी से कहा जकत लो और पाक करो नबी नहीं है अब कौन पाक करेगा भाई इसलिए हम जकत नहीं देंगे देख रहे हैं अब आइए मैं आपको ग्रामर एक तो नुस तो है ने कहा नबी के जमाने में दिया अब नहीं देंगे तो जंग करूंगा इससे मालूम होता कि नबी के बाद भी देना है नमाज रोजा दिगर जो आकाम है वो भी नबी के बाद बाकी ये भी करना है ग्राम ठिकेल ए अरबी का एक जुमला है अरबी का कायदा है आप आवाम को शायद समझ में आए नकीरा के बाद अगर जुमला आए नकीरा के बाद तो सेंटेंस आए और वो जो वर्ड है ये नकीरा है यानी ये कॉमन नाउन है प्रॉपर नाउन है प्रॉपर नाउन नहीं कॉमन नाउन के बाद मुकम्मल एक सेंटेंस आए तो ये सेंटेंस उस प्रॉपर कॉमन नाउन की सिफत बनती है यानी पर हीरो ये नबी की सिफत नहीं है ये सदका की सिफत है यानी ये सदका तुम्हें पाक करेगा यानी सदका जब जब तुम दोगे सदका पाक करेगा ना कि नबी तुमको पाक करेंगे इससे मालूम होता है कि जकत हमें हर वक्त अदा करना चाहिए हजर निगरानी जकत अदा ना करने वालों का यह अंजाम है कि अल्लाह तबर उनको दुनिया में ही सजा से दो चार करता है असबुलजन्न बाग वालों का वाकिया अल्लाह ने सुरत-ul-क़लम में बयान फरमाया है अब उजन्ना का कि बाग कि फसल की कटाई के वक्त में फसल में भी जक़ात देना है बाप क्या करता था हर साल जक़ात फसल की कटाई के वक्त में अदा कर देते थे गरीब गुराबा आते थे सब जमा होते थे फसल की कटाई के बाद गरीब को हिस्सा देते उसके बाद वो घर लेकर आते बाप का इंतकाल हो गया औलाद ने यह सोचा हमारे बाप अपने हार्ड अर्निंग अपनी मेहनत की कमाई अपनी मेहनत करके गरीब गुराबा को दे देते थे हम नहीं देंगे और अगर हम दिन के वक्त में जाकर फसल की कटाई करेंगे तो गरीब आ जाएंगे हम रोक नहीं सकते मुरुवत की बात है सामने आ गए मांगे देना हर साल देते थे तो हम दे नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है फंस जाएंगे इसलिए हम और तो रात जाके फसल की कटाई कर लेंगे ताके कानो कान गरीब को खबर ना हो गरीब का हक मारने से क्या नुकसान होता है आइए मैं आपको बताता हूं उसके बाद रात में ये लोग निकले तलाश के लिए बाघ घूमे 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 सर चक्कर कटाए सर चक्कर कटाए सरगर्दा सारी रात घूमते रहे कहां हमारा बाघ कहां हमारा बाघ कहां बाग? कहा बाग गया है सुबह के उजाले में देख रहे हैं बाघ तहस नहस है जल के रात होके भुन के तहस नहस भुसम बन के तैयार है उन्होंने कहा कि देखो क्या हाल हुआ है तुमने गरीबों का हक मारना चाहा अल्लाह ने देखो कैसे हला को बर्बाद कर दिया है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में भी फरमाया है लम यमनाउ ज़कात अमवालिहिम फजर में दर्स चल रहा है पांच गुनाहों की वजह से मुख्तलिफ सजाएं उनमें से एक है अगर कोई कौम जक़ात रोक लेती है माल की जकत अदा नहीं करती है कौम तो अल्लाह तबरक ताला आसमान से बारिश को रोक लेता है बारिश नहीं है तिल्ल बारह है उसके लिए सिस्का की नमाजें पढ़ रहे हैं दुआएं कर रहे हैं बारिश नहीं हो रही है दुआ के साथ साथ दवा भी करो दुआ के साथ साथ दवा भी करो क्या हमने गरीबों का हक मारा है क्या हमने तिजारत तो कारोबार में लोगों को धोखा दिया है क्या हमने लोगों का माल हड़पा है क्या आज कारोबार और तिजारत में लोगों को ठगा जा रहा है लोगों पर माली जुल्म हो रहा है माल का अगर जुल्म हो रहा है याद रखो किसी भी एतबार से अफराद के हो हुकूमतों के हो इजमा के हो किसी का भी जुल्म अगर आवाम के माल पर हो अल्लाह तबरक बारिश को रोक लेता है और खास तौर तो से गरीबों का हक हाँ। जक़ात अगर अदा ना करें अल्लाह ताला बारिश को रोक लेता है और अल्लाह अकबर अल्लाह के रसूल ने फरमाया लो लल बहा अगर ये चौपाए ना होते एक कतरा बारिश का अल्लाह ताला इंसान को ना देता जानवरों से गए गुसरे जानवरों से गए गुसरे बन जाते हैं वो लोग जो इन जानवरों का अगर बारिश हो रही है इन जानवरों की वजह से याद रखिए मेरे भाइयों, इसलिए हमें चाहिए कि गरीब का हक ना मारे नबी ने यह भी फरमाया नाकोल में कमी बेशी की वजह से अल्लाह तला बारिश को रोक लेता है और नाप तोल में कमी बेश यही मैं कह रहा हूं बार बार कि तिजारत और कारोबार में धोखा देना लोगों पर माली जुल्म करना माल नाजायज तरीके से हड़पना अजरीन, याद रखिए मेरे भाइयों इसकी वजह से माशरा तबाह होता है और अल्लाह का अजाब आता है इसी तरह से अल्लाह तुरान मजिद मजीद में, में फरमाया जो सोना चांदी सेहत सहत कर रखते हैं रुपया पैसा बैंक बैलेंस कर कर के रखते हैं वला सफी और अल्लाह के रास्ते में खर्चा नहीं करते हैं जक़ात अदा नहीं करते हैं फबस शिर बिन अलीम ऐसो को दर्दनाक अजाब की बशारत सुना दिया करो कल क्यामत के मैदान में यही जेवरात यही सोना चांदी उसके गले के सांप बन जाकर डसेंगे और कहेंगे क्या नामु मैं माल हूँ मैं तरह, तरह खजाना हूं दुनिया में बड़े शौक से पहना था दुनिया में बड़े शौक से, से, से के रखा था दुनिया में बार बार ज्वैल बैलेंस चेक किया करता था अब बता आज उसका भी हक हाँ अदा कर लिया कर आज तुझे उसकी सजा भुगतनी है जो जो जक़ात अदा नहीं करेंगे जानवरों के उन जानवरों को जरिए से उनको कुचला जाएगा खुरों से वो जानवर उसको कुचलेंगे याद रखो मेरे भाइयों जानवरों के जकवात अदा किया करो माल दौलत की जक़ात सोना चांदी की जक़ात अदा किया करो तिजारत और कारोबार के सामान की तिजारत जकवात अदा किया करो फसल के भी जकात अदा किया करो हर एक के जक़ात अदा करना ये गरीब का हक है और न फिर हम भी अदा बिन अलीन दर्दनाक अजाब में मुबतला हो जाएंगे जकवात अदा करने के नुकसान और फवाद में से एक अजीम हदीस से मुस्लिम की रिवायत है एक आदमी पिछले कौम के वाकया है प्यारा नबी सल्म ने बयान किया कि अपने खेत में खलियान में खेतों में बाग में काम कर रहा था इतने में बादल के टुकड़े से आवाज आ रही थी हदी फुलान इसके हदी कत फुलान फुला आदमी के बाग को सैराब करो फुला आदमी के बाग को बारिश बरसाओ बादल से गईबी आवाज आ रही वो बादल का टुकड़ा गया और जाने के बाद एक खास बाग पर खास बाग पर पानी बरसाया वो आदमी बड़ा किया और वो पीछे हो लिया जाकर बाग के मालिक से पूछा कि भाई मैंने बादल के टुकड़े में तुम्हारा नाम सुना तुम्हारा नाम लेकर कहा जा रहा था फुला आदमी के बाग में सैराब करो अल्लाह अकबर क्या तुम ऐसा काम करते हो उसने कहा मैं ये काम करता हूं कि मेरी फसल में से तीन हिस्सा करता हूं एक गरीबों का अल्लाह के रास्ते का जक़ात अदा कर दिया करता हूं दूसरा मैं आइंदा साल के लिए फसल के खर्चे के लिए रखता हूं और एक मैं अपने लिए रिश्तेदारों के लिए हिस्सा रख लेता हूं ताकि ही वजह है कि सारे बागात में आपके बाग को आकर सैराब किया है कितनी बड़ी बात है अल्लाह अकबर कि बादल के टुकड़े में गैबी आवाज नाम लेकर गरीब का हक अदा किया करो अल्लाह के वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला कहता है कुदसी है तुम मुझे ढूंढो कमजोरों में मिसकीनों में गरीबों में नादारों में ढूंढा करो उनका हक अदा किया करो मुझे पाओगे याद रखो मेरे भाई जो ये बड़े है जक़ात अदा करने के और इसी तरह से नुकसान भी है जक़ात अदा ना करने के हाजरीन जक़ात के चंद अहकाम गोश गुजार कर लें ज़क़ात, सोना चांदी रुपया पैसा ये तीनों मिलाकर एक जिन्स है सोना चांदी रुपया पैसा मिलाकर एक जिन्स है एक है इसमें है और इसी में शुमार होगा तिजारत और कारोबार का सामान तिजारत और कारोबार का सामान, का सामान। सोना चांदी रुपया पैसा तिजारत और कारोबार का सामान इसका सिलेबस ये है निसाब ये है 85 ग्राम गोल्ड 85 ग्राम खालिश गोल्ड खालिश सोना की कीमत जितनी बनती है आज के हिसाब से मैं ये करीब करीब बता रहा हूं पांच लाख तकरीबन पांच लाख अगर आपने तिजारों तो कारोबार में जो आपका भंडवाल है जो आपका इन्वेस्टमेंट है आप कपड़े के ताजिर हैं आप जूते के ताजिर हैं या कोई और चीज उसमें आपके जो असल कपड़ा है आपके इंटीरियर है आपने शोकेस बनाया है और जो दूसरी चीजें आपने बनाई उसमें नहीं उसका खर्चा कुछ नहीं है उसमें जकात नहीं असल जो तिजारत का सामान है कपड़ा जूता आप उसमें आपने लगाया था पांच लाख अब साल भर बढ़ के माल आपने और भी ऐड किया है अब आज अगर आप उसको निकालने जाओगे बेचने जाओगे तो आपको आएगा छह लाख तो ये छे लाख साल भर आपने कमाया है और सारा खर्चा कर दिया कुछ बचा नहीं है तो सिर्फ उस छह लाख की जकत आपको देना है एक लाख में अढ़ाई हजार के हिसाब से और अगर साल भर कमाए कमाने के बाद कुछ बैंक बैलेंस भी है एक लाख बैंक में है आपका भंडवाल और तिजारत में यहां छह लाख है तो सात लाख के तिजारत सात लाख के जकत आपको अदा करना है इसी तरह से आपके पास सोना चांदी भी आपका है बीवी की माल बीवी का है आपका नहीं है बीवी का माल बीवी का वो अलग है अगर वो 85 ग्राम गोल्ड यानी खालिश वेस्टेज निकाल के 85 ग्राम है तो बीवी ही देना है सका अगर बीवी के कमाई नहीं है वो दे नहीं सकती है शौहर दे रहा है अदा हो जाएगी जकत एहसान होगा शौहर की तरफ से एहसान होगा नहीं शौहर के पास भी नहीं है तो बीवी को चाहिए कि माल में से कम करके 85 ग्राम है आप उसमें से जितना निकलता है दो ग्राम या पोने दो ग्राम उतना आप निकाल दिया करो उतना आप निकाल दिया करो और एटी ग्राम से कम हो जाए उतना रख लिया करो पे जकात नहीं देना है किसी के पास सोना चांदी रुपया पैसा तीनों मिलाकर 85 ग्राम गोल्ड हो जाए तो याद रखिए उसमें से आपको 2.5 परसेंट अदा करना है यह है उसका हिसाब ऐसा नहीं कुछ समझते एटी फाइव ग्राम तक माफ ये स्लाब सिर्फ गवर्नमेंट में चलता टैक्स में चलता यहां ऐसा स्लाब्स नहीं है यानी 85 ग्राम गोल्ड किसी के पास 100 ग्राम है तो 85 ग्राम निकाल के सिर्फ 15 ग्राम का देना नहीं जब 100 ग्राम 85 ग्राम से हो गया तो पूरे एक ग्राम से सबका देना है ये लोग सवाल करते हैं ये आते हैं इसलिए इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं याद रखिए इसी तरह से शहर में आमतौर से ही दो चीजें हैं यहाँ तो जानवर पलते पालते नहीं है और यहां पर फसल की कटाई वगैरह नहीं है फसल की कटाई हो तो उसमें से आपको अगर आपने खर्चा किया है उस पर तो बीसवा हिस्सा देना है अल्लाह के रास्ते में और जानवरों के अलग अलग बकरों का अलग है गाय बैल का और इसी तरह से ऊंट का अलग अलग हिस्सा है तो इसमें से आपको जक़ात देना है शर्त यह है एक साल गुजर जाए सिलेबस को पहुंच जाए और आपके पास वो सेविंग्स हो किसी के पास सेविंग्स से है पांच लाख और उस पर कर्जा है दस लाख तो क्या करेगा जकआत देगा नहीं देगा कर्जा जिस पर है कर्जा निकालने के बाद जो बचा है उसमें से जकत देना है रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं तो क्या उसमें जकत देना है हाँ आपने कारोबार के तौर पर रियल एस्टेट में जितना आपने इन्वेस्ट किया है आपको पता है उसमें से हर साल आपको जकत देना है हाँ आपने इन्वेस्ट किया है पांच लाख दस लाख बीस लाख अभी आप उसको बेचे नहीं है बेचने के बाद वो तीस लाख बन के आया तो अभी आपको दस लाख का जो देना एक साल का देना क्योंकि अभी आपके हाथ में आया है ना जब तक जमीन पे है आपने जितना लगाया है उसमें से आपको जकत देना है इंसान के अपने जो जरूरत की चीजें हैं घर के फर्नीचर्स हैं कार हैं वॉच हैं और इसी तरह से दीगर जो जरूरत के सामान है उसमें जकत नहीं है जेवरात में राजे कॉल के मुताबिक जकत देना है जेवरात में जक़ात देना चाहिए डाउट फ्री हो जाना चाहिए बेहतर यही है बाकी जो चीजें हैं क्योंकि जेवरात में क्या है उसका वैल्यू बढ़ता है आपने वॉच खरीदी दो लाख की उसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं घटेगी आपके कार आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वैल्यू घटेगी लेकिन जेवरात की वैल्यू बढ़ती है उसमें जकत देना है इस्तेमाल के चीजों में जकत नहीं हां कोई कार का ही कारोबार करता है और कार रखा है एक से दो उसके शोरूम में कार है तो उसका इन्वेस्टमेंट है अब जितना उसमें इन्वेस्ट किया उसमें से जकात देना पड़ेगा अब यह होता कि आपने किसी कंपनी से टाइप करें रेंटल कार आपने रखा है रेंट पे रखा है तो एक से ज्यादा कार है एक आपके इस्तेमाल के लिए बाकी कार के जो रीसेल वैल्यू होगी और इसी तरह से उसकी जो आमदनी है उसमें से आपको जका देना पड़ेगा क्योंकि आपके तिजारत और कारोबार के तौर पर है इसी तरह से आपके लेद हैं आपने मशीनरी रखी है आप वेल्डिंग के लिए बहुत सारे मशीन रखे हैं इसी तरह से कोई डॉक्टर है और डॉक्टर ने क्या किया है उसमें अब डेंटिस्ट है दूसरे यह है उन्होंने सेटअप किया लाखों का उसके अंदर है इन्वेस्ट किया है तो क्या उसमें से वो जकात देना है तो याद उलामा ने रखिये लिखा उसके रीसेल वैल्यू वो बेचने जाएगा तो कितना क्योंकि आपने एक डेंटल का जो एक कुर्सी आपने लिया सात लाख में बेचने जाएगा उतना तो नहीं आएगा जितना बेचने जाएगा रीसेल वैल्यू आए और आपकी सेविंग्स उसमें से जो है उसमें से आपको जकात देना है और इल्म क्योंकि ये तिजारत और कारोबार के तौर पर जो है अब है इंसान का जाति घर है एक घर है जो जाति घर है जाति घर में जो आपने पैसा लगाया है उसमें जकत नहीं है आपने घर बनाया जमीन की कीमत एक करोड़ एक करोड़ आपने खर्च किया दो करोड़ लगाया तो दो करोड़ के जकत नहीं है घर की जो आमदनी है अगर वो एट्टी फाइव ग्राम गोल्ड या गोल्ड ये पैसा बचाकर सेविंग हुआ हर महीना रेंट आ रहा खर्चा हो जा रहा कुछ नहीं देना है सेविंग है तो उसमें से देना है अब एक मसला आता है एक आदमी रेंट पे है और उसने उसने एडवांस दिया है पांच लाख या कुछ लोग लीज पे लेते हैं हलाल हराम और बात है मैं लीज को हराम समझता हूं मेरे जाति यह है राय यह है कि लीज पे लेना जायज नहीं है लीज पे लेन देन करना दुरुस्त नहीं है मैं बता रहा हूं कोई लीज पे लिया है और मिसाल के तौर पर बीस लाख उसने लीज पे लीज के तौर पर दिया है तो क्या यह बीस लाख जो एडवांस दिया ये दो लाख पांच लाख जो एडवांस दिया उसमें से जकत देना है कुछ उलामा कहते हैं चूंकि ये इनकी सेविंग्स है उसमें से, उस से जकत देना है मैं थोड़ी तहकीक और किया जरा दूर से तो मुझे लगा कि जकत नहीं देना है क्यों एक आदमी दो करोड़ के घर बनाया उसके दो करोड़ में जकत नहीं है ये बेचारा इसका जाति घर नहीं है दो करोड़ के घर क्यों बनाया रहने के लिए रिहायश के लिए तो रिहायश बुनियादी जरूरत है रिहायश के लिए जो खर्चा करता उसमें जक़ात नहीं है इसकी भी बुनियादी जरूरत है ना रिहायश के लिए रिहायश के लिए इसका घर भी नहीं है जाती और साथ साथ किराए पे है बेचारा किराए के घर पे है एडवांस दिया पांच लाख दो लाख उस पर जक़ात देना है और इसके पास करोड़ों है वो नहीं देना है ये बीस लाख दिया लीज के तौर पर उसमें जकत देना है अहल इल्मे ने लिखा है चूंकि इसकी बुनियादी जरूरत में दाखिल है इसलिए उस पे से जकत देने की जरूरत नहीं है ये बुनियादी जरूरत है इसलिए क्योंकि अगर वो कल के दिन घर लेगा या एक साइट लिया घर बनाने के लिए उसमें ज़कात नहीं देना वैसे ही समझ लीजिए कि रिहाइश के लिए उसने रखा है इसलिए उसमें ज़कात देने की, की आपको तो अमल करना चाहिए बहरहाल जकत सोना चांदी में वेस्टेज निकालने के बाद देना चाहिए ऐसे ही रकम एक आखिरी मसला याद कर लेकिन पर वाजिब है उसी जिन से जकात देना है सोना चांदी रुपया पैसा एक जिन से है। तो सोना चांदी की जकत आप चाहे सोना चांदी दे दो या पैसा दे दो लेकिन लोगों से पैसा लेकर मालदार से पैसा लेकर कोई इदारा उसको राशन किट बनाकर दे पता जायज नहीं है आपको गरीब के हक में तसरुफ करने का हक नहीं है गरीब को पैसे की जरूरत है आप उसको राशन पे राशन दिए जा रहे हैं आप क्या करते जक़ात के पैसे में से एम्बुलेंस खरीद रहे हैं याद रखिए यहां जक़ात पहले वो मरे तो मर रहा है उसके बाद उसके आप मरने के बाद का सामान कर रहे हो पहले उसको जीने का मौका तो दिया करो याद रखिए शरीयत ने फितरा को खुराक रखा है उसमें पैसा देना जायज नहीं है और जक़ात आप अगर फसल की जक़त दे रहे हो तो फसल दिया करो जानवर की जकत जानवर दिया करो सोना चांदी रुपया पैसे को पैसा ही रखना गरीब को पैसा ही देना है पैसे की जरूरत पे ही उसका खर्चा करना है याद रखिए मेरे भाइयों और उसके लिए किस किसको देना है सूरा तौबा आयत नंबर सिक्सटी आयत नंबर नौ आयत नंबर नाइन आयत नंबर सिक्सटी सूरा नंबर नाइन सूरा नंबर नाइन आयत नंबर सिक्सटी में अल्लाह तला ने बयान किया आठ तरह के लोग हैं बुनियादी तौर पर फकीर और मिसकिन फकीर कौन है जिसके पास कुछ नहीं है खल्लाश मस्किन कौन है जिसके पास थोड़ा बहुत है मगर उसकी पूरी जरूरत पूरी नहीं होती है उलामा ने इस्तेलाल किया है मूसा और खिजर के वाक्य से कि के के वो जो कश्ती है मसाकीन मिस्कीन की तो मस्किन कश्ती का मालिक है मगर इतनी कमाई नहीं होती है कि उसकी सारी जरूरत पूरी हो इसको दिया जा सकता फकीर मिसकीन को जकत देना है किसी सैयद को जकत नहीं देना लेकिन सैयद आगे बढ़ के मांग रहा है मैं सैयद हूं लेकिन मुझे दो तो आप दे सकते हैं लेकिन हम आगे बढ़ के किसी सैयद को जक़ात नहीं देंगे और इसी तरह से किसी मालदार को जक़ात नहीं देंगे फकीर मिसकीन होना चाहिए और फकीर मिसकीन इसी तरह से जो जकत कलेक्शन करने के लिए मेहनत करके यहां वहां से लेकर आते हैं वो जमा वो कलेक्शन करते मेहनत करके जा जाके उसमें से ले सकता है कोई गैर मुस्लिम इस्लाम की तरफ माइल है तो उसके दिलजोई के लिए जक़ात दिया जा सकता है मकरूज है कर्ज में मुबतला हो गया है उसको जकत दे सकते मुसाफिर उसके रास्ते में उसकी राह कट गई है और उसके सामान खत्म हो गया मुसाफिर को दिया जा सकता है याद रखिए ये आठ तरह के लोग हैं जिनको हम जक़ात दे सकते हैं इसमें मदारिस डायरेक्ट नहीं आते हैं मदारिस डायरेक्ट नहीं आते हैं मदारिस में जकत के पैसे ले जाकर उन गरीब बच्चों को खिलाया जा रहा पिलाया जा रहा है इसलिए इसमें ओहाले इल्म ने कलाम किया है गरीब को क्या आप पैसा लेकर गए गरीब को पैसा दे दो गरीब को पैसा दे देना ये भी याद रखो क्या करते हैं जक़ात का पैसा लेकर हमने आपने ऑटो खरीदा सिलाई मशीन खरीदा कुछ भी खरीदा खरीदने के बाद आप गरीब को दे रहे हैं जायज नहीं है जायज नहीं है पैसा इसको उसको दे दो और उसको मालिक बना देना गरीब को मालिक बना देना जक़ात के माल में से कर्जा देना भी जायज नहीं है बैतुल माल में से मुस्तक है तो उसको दे देना है बाद में अगर वो मुस्ताइ के बाद वो खुद जकत देने वाला बन गया वापस कर रहा और बात है याद रखिए मेरे भाई को माशरे में जकवात सही माने में निकाले और सही माने में मुस्ताकिन तक पहुंचाए बड़ा फायदा हो सकता है लेकिन अब क्या हो रहा है अपने अपने एतबार से जक़ात को इस्तेमाल कर रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है जक़ात का पैसा गरीब को डायरेक्ट पैसा दे दो इसलिए बाज इदारे वाले ये करते हैं जक़ात कलेक्शन करके लाते हैं जो गरीब बच्चे हैं उनके हाथ में देते हैं तुम ले जाकर ये पैसा फीस भरो भरो हां पैसा देकर फिर वो भरे उसकी जरूरत अगर वो कहेगा कि मैं जो है किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ लूंगा मुझे पढ़ाई के लिए खर्चा नहीं करना है मुझे तो खाना पीना राशन की जरूरत है और मैं अपने हिसाब से ले लूंगा आपने उसको दिया पचास रुपए किलो वाला चावल उसको जरूरत है पच्चीस रुपए किलो वाला चावल वो बचा लेगा पचास रुपया और दूसरा कुछ काम करेगा वो आ, कपड़ा खरीदेगा अपने मैार के हिसाब से इलाज करेगा दूसरा कुछ करेगा इसलिए आप उसको मत थोपो कि तुमको यही हम देंगे नहीं बल्कि क्या करो आप उसको पैसा दे दिया करो उसके हिसाब से वो अपने इस्तेमाल और जरूरत में इस्तेमाल कर लिया करें बहरहाल और भी बहुत सारे मसाल इस ताल्लुक से हो सकते हैं जो मेरे दिमाग में बातें थी मैंने आपके सामने रख दी है अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबरक तबर हमें और आपको जकवात को सही माने में अदा करने की तौफीक अता फरमाए और मुस्तकिन तक सही माने में पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए मैं आपसे गुजारिश भी भी करूंगा हम जकवात क्या करते हैं दो हजार चार हजार पांच हजार करके देते हैं उसकी जरूरत वैसे के वैसे ही रहती है माशरे से आप ढूंढो आपके मुसलियों में से आपके अड़ोस पड़ोस में रिश्तेदार में से कौन परेशान हाल है आपने जकआत कलेक्शन किया दो लाख पांच लाख दस लाख इस साल टारगेट करो कि दो तीन चार पांच लोगों को हम दो दो लाख देंगे तीन तीन लाख देंगे ताकि वो मुस्तकिल तौर पर आइंदा से जक़ात ना लेने वाला बने और उसको सेटअप करके दे दो एक इसके तिजारत और कारोबार को बहाल करके दे दो लेकिन हमारे दिल में बड़ी तकलीफ होती है किसी गरीब को देते हुए इंसान की एक मेंटलिटी फितरत है बड़े फाइव स्टार होटल में जाएगा और हजारों के बिल बनाएगा उसके बाद वेटर को सौ रुपया तो कम हो गया दो सौ पांच सौ के नोट वेटर को थमाएगा जबकि उसकी सैलरी है पगार है, उसकी ड्यूटी कर रहा है वही बाहर एक गरीब मिस्किन होगा उसके लिए दस रुपये निकालना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है हां यहां पर देखो वो सौ रुपये देगा दो सौ पचास भी दे देगा के वेटर को